स्वागत है आप सब का मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरुला जी के द्वारा लिखा गया है। सबसे उत्तम परमेश्वर की हजूरी, जैसा कि उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 1 उसकी 1-3 आयत में लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तब परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। मेरे प्रियो, सृष्टि रचने के लिए दो चीजें जरूरी हैं, एक परमेश्वर का आत्मा और दूसरा परमेश्वर का वचन। आज एक विश्वासी की जिंदगी में सबसे जरूरी उसकी चंगियाई, उसकी मुक्ति या उसके परिवार की मुक्ति नहीं है, बल्कि सबसे जरूरी परमेश्वर की हजूरी है। अगर आप बीमार हो तो आपको पता होना चाहिए कि बाइबल में मेरी बीमारी के विषय में क्या लिखा हुआ है, कि मैं प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूँ। अब ये वचन मेरी जिंदगी में कब पूरा होगा? जब मैं परमेश्वर की हजूरी को अपनी जिंदगी में रखूंगा। मतलब अगर परमेश्वर की हजूरी आपकी जिंदगी में है, और तब मैं ये वचन बाइबल में से लेता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, तो फिर चंगियाई आपकी जिंदगी में आती है। इसीलिए कुछ ही विश्वासियों की जिंदगी में चमत्कार होते हैं, पर कुछ विश्वासियों की जिंदगी में नहीं, क्योंकि चंगियाई के लिए, चमत्कार के लिए परमेश्वर की हजूरी का होना बहुत जरूरी है। मेरे प्रियो, कैसे पता चलता है कि परमेश्वर किस जगह में काम कर रहा है? जब चंगियाई होती है तो इसका मतलब है कि परमेश्वर की हजूरी इस जगह पर मौजूद है। जब पानी पर परमेश्वर का आत्मा मंडराता था तो उस समय रोशनी नहीं थी। रोशनी करने के लिए परमेश्वर की आत्मा की हजूरी के साथ साथ परमेश्वर के वचनों की बहुत जरूरत थी। जब परमेश्वर की आत्मा की हजूरी में वचन बोला गया तो रोशनी हो गई। बाइबल बताती है कि परमेश्वर की हजूरी दानियल के साथ रहती थी, क्योंकि वो हमेशा परमेश्वर के वचनों पर चलता था। एक ऐसा समय आया जब उसे शेरों की माद में डाल दिया गया, पर उन शेरों ने दानियल को कोई नुकसान भी न पहुंचाया, क्योंकि दानियल के साथ परमेश्वर की हजूरी थी। इसीलिए मेरे प्रियो, अपनी जिंदगी में सबसे उत्तम स्थान परमेश्वर की हजूरी को दें, और परमेश्वर के वचन को अपनी जिंदगी में लागू करें, ताकि जैसे मुश्किल समय में दानियल बचा, आप भी परमेश्वर की हजूरी के साथ बचाए जाए और ऊंचे किए जाए। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करे। आमीन। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा लिखी गई इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपके इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं सबसे उत्तम स्थान परमेश्वर की हजूरी को दूंगा और आपके नाम को ऊंचा करूंगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करें। आमीन।